न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडली कारागार में बंदी कैदियों के दो गुटों में बवाल की सूचना पर पहुंचे DMSSP, मौके का लिया जायजा, कहा स्थिति नियंत्रण में। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक, कहा शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ ही निर्धारित लक्ष्य को 100% करें पूरा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा में गर्भवती महिला को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा भर्ती न करने का मामला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने कहा जाँच के बाद की जाएगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस विभाग में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को ADG जोन ने किया सम्मानित, कहा सम्मानित होने से बढ़ता है हौसला। रामकथा के 7वें दिन सुप्रसिद्ध कथा व्यास संत मुरारी बापू के अमृतवाड़ी से अभिभूत हुए श्रोता, कहा राम नाम का स्मरण ही है जीवन की सार्थकता। 14 दिसंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा सुलह समझौते के आधार पर होगा विभिन्न वादों का निस्तारण। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वृहद जन जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन, मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर कार्यक्रम की शुरुआत। प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक की अध्यक्षता में विभिन्न वाणिज्यिक विषयों पर बैठक हुई संपन्न, यातायात के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सपा कार्यालय पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मनाई गई 117वीं जयंती, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित व माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। जिला अस्पताल में मनकज का संचालन हुआ शुरू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने कहा अस्पताल प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, अब मानसिक रोगियों को फोन पर भी मिलेगी सहायता। और क्राइस्टचर्च में भव्य आयोजन के साथ गोरखपुर महोत्सव 2019 का मुख्य अतिथि TA वर्गीस ने प्रार्थना के साथ किया उद्घाटन, प्रभु यीशु के जीवन पर डाला प्रकाश।